इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नफरत करता हूं मैं उस औरत से, उसकी बातें खंजर की तरह चुभती है मुझे। दिन रात बस एक ही दुआ करता हूं मैं कि काश काश वो मर जाए। वो ये ले, चाकर खोप थे उसके पेट में और कर दे खेल खत्म। क्या हुआ, डर गया? क्या सोच रहा है, अगर खुद मारेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, तो ठीक है मैं मार दूं। बोल, पर आप ऐसा क्यों करेंगे? ताकि तू मेरी पत्नी को मार दे, हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देख, हम एक दूसरे की मदद करेंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बार बोला एक नई गाड़ी ले लो, शर्म आती इस खटारा पे कहीं भी जाते हुए। अरे गाड़ी भी ले लेंगे, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तुम जैसों का कभी वक्त नहीं आता है। आशा, मेरी कुछ तो खुशकिस्मती होगी ना, जो तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली मुझे। ये तुम्हारी खुशकिस्मती नहीं, मेरी बदकिस्मती है कि तुम जैसा बंदर मिला है। शर्म आती इस सड़क पर तुम्हारे साथ खड़े होते हुए भी। मेरी सहेली नेहा का जो घर का नौकर है ना, वो भी तुमसे बहुत अच्छा दिखता है। आशा धीरे बोलो, हम सड़क पर खड़े, लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे, यही कहेंगे ना कि बेचारी की किस्मत फूट गई कि भिखारी जैसे शक्ल वाले के साथ इसकी शादी हुई। और अगर तुम्हारा जहर सुन लेंगे ना, तो यही सोचेंगे कि किस्मत तुम्हारी नहीं मेरी फूटी हुई है। दो पैसे की औकात नहीं, और जुबान देखो इस आदमी की। आशा प्लीज, एक तो गर्मी बहुत है और ऊपर से तुम्हारी ये बातें। चलो पानी पिलाओ। अरे आशा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए ना चुल्लू भर पानी तैयार कर दूं ताकि इसमें डूब के मर जाओ तुम। अगर ठीक से बात करना नहीं आता तो निकल जाओ यहाँ से। हाँ नहीं कर सकती, गुस्सा आता है मुझे तुम्हारा चेहरा देखते। सपने देखे थे एक राजकुमार के, और किस्मत में आए तो तुम एक भिखारी। सब कुछ दे दो ना सब। अरे भैया, किनसे भीख मांग रहे हो? ये भी तुम्हारी तरह भिखारी है, बस उनके हाथ में कटोरा नहीं। आशा, आशा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? सब क्या है, तुमने खाना ही नहीं बनाया आज? पैदल चल चल के थक गई हूँ, बाहर से कुछ मंगवा लो। आशा मेरी बात सुनो। आशा, अरे आशा, आशा सुनो, जितने पैसे थे सारे स्कूटर में खर्चा हो, अब बाहर से खाना मंगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मेरी सहेली नेहा है ना, उसका पति हफ्ते में दो बार बाहर खाने पे लेके जाता, और साल में तो वो लोग घूमने जाते ही एक बार, और तुम तो उसी से शादी कर लेती ना तुम। हर रोज सोचती तो यही हूँ कि काश किसी और से शादी कर लेती, लेकिन मेरी ना पापा के आगे जुबान नहीं खुलती। जिस दिन तुम्हारा रिश्ता आया था ना, तुम्हारी तो हैसियत देखकर ही मना कर देना था मुझे। देखो आशा, मैं जानता हूं तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं भी तो कोशिश कर रहा हूं ना, और किस्मत पलटते देर नहीं लगती। एक दिन हमारा भी महल होगा, उस दिन तो तुम्हें मेरी इस हैसियत से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अच्छा तुम बोल, मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा ये गुस्सा शांत हो जाए? मैं ना तुम्हारे नाम की ना सफेद साड़ी पहनना चाहती हूँ।
तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। आशा, तुम मुझे मारोगे? कोई काम तो ठीक से कर नहीं पाते। ना मर्द हो तुम, ना मर्द, ना बच्चा दे पाए, ना पैसा दे पाए, और तुम अब मुझे मार के मुक्ति भी नहीं दे पाओगे। मुक्ति चाहिए ना तुम्हें, मुक्ति चाहिए ना। ना मर्द हो तुम, ना मर्द, ना बच्चा दे पाए, ना पैसा दे पाए। मैं ना तुम्हारे नाम की ना सफेद साड़ी पहनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। पागल है क्या तू? कौन है तू? ओए, उठ उठ। बे उठ ना, क्या दिमाग खराब है तेरा? मरने के लिए तुझे मेरी गाड़ी मिली थी क्या पूरी दुनिया में? क्या बोलता है कुछ? क्या हुआ? मैं मरना चाहता हूँ भाई साहब। बे मरना है तो कहीं और जाके मरना, मेरी गाड़ी के आगे मरेगा क्या? शेखर बहुत दुखी लग रहा है बेचारा। मुझे माफ कर दो भाई साहब। बहन जी, आई एम सॉरी। क्या नाम क्या है तुम्हारा? अरे नाम क्या है? रवि। रवि, चलो तुम मेरे साथ चलो। नहीं नहीं भाई साहब, I'm अरे sorry, दोस्त मैं... चलो मैं कह रहा हूँ ना, चलो चलो आओ आओ, पी लो दोस्त। नहीं नहीं भाई साहब, थैंक यू। अरे पी लो यार, जिंदगी में पहली बार किसी आदमी को दुख में इतना रोते हुए देखा है, इसी से तो गम दूर होगा। अब बताओ हुआ क्या है तुम्हें? अपनी अपनी किस्मत है भाई साहब। वैसे मुझे माफ कर देना, आपकी गाड़ी के सामने आकर वो सब, आई एम रियली सॉरी। अरे तुम पागल हो क्या यार, इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है? ये तो हमारी किस्मत में ही लिखा था कि हम मिलेंगे। अब ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम मेरी गाड़ी के आगे क्यों कूदे थे, मरना क्यों चाहते हो? मेरी बीवी एक बहुत ही खूबसूरत औरत है, और उसे अपनी इसी खूबसूरती का इतना घमंड है कि वो मुझे रोज तरह तरह की बातें सुनती रहती है। वो मुझे भिखारी बुलाती है, कभी मेरी शक्ल का मजाक उड़ाती है। ये सच में इतना बुरा? अब तुम्हारी शक्ल अच्छी है या बुरी ये मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, अब इसका जवाब एक खूबसूरत लड़की जरूर दे सकती है, क्यों जान? शेखर, तुम भी ना। पता है दोस्त तुम्हारी असली प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अपनी पत्नी को खुश करने का तरीका नहीं आता। माफ करना भाई साहब, लेकिन अगर भाभी खुश है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब समझते हैं और हम नहीं। मेरी मुसीबत तो घर बैठी है, मेरा इंतजार कर रही है। क्या यहाँ मुझसे एक औरत नहीं समझ रही, और आप है कि दो? दो दो नहीं, सिर्फ एक। वो तो मेरे गले की घंटी है, और ये है मेरे दिल का तार। इसका प्यार मुझे उसे झेलने की ताकत देता है। और तुम्हें पता है, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम दोनों यहाँ से कहीं हो जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन भाई साहब, मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, बस उसका प्यार पाना चाहता। उसे कैसे खुश किया जाए तुम्हें तो जरूर पता होगा। तोहफा?
तोहफा, तुम एक काम क्यों नहीं करते, एक अच्छा सा तोहफा खरीदो और जाकर अपनी पत्नी को दो, उसके चेहरे का बड़े से बड़ा दुख पीना ओड़नचू हो जाएगा। दीदी बहुत भूख लग रही है, अब खाना भी ले आओ। क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारे जीजू के आने से पहले कोई भी खाना नहीं खाएगा, समझा? और एक तो अब वो अभी तक आए भी नहीं है और उनका फोन भी नहीं मिल रहा है। दीदी आप भी कितनी पागल हो, अगर उनका फोन नहीं लग रहा है तो उनके ऑफिस में कॉल करके देखो। अरे वाह, तू तो बड़ा ही समझदार हो गया। रुक, हेलो सर, मैं एसोसिएट, जरा शेखर जी से बात करवाएंगे? शेखर जी तो घर से काम कर रहे हैं कुछ टाइम से। क्या, घर से काम कर रहे हैं? लेकिन कब से? उनको तो एक महीना हो गया। एक महीने से? आप कौन? क्या हुआ दीदी? हाँ लगता है जीजू आ गए। हाय सुथार। क्या जीजू इतना लेट कर दिया ऑफिस आने में? अरे कुछ नहीं यार, बॉस है ना, पहले तो रोक लिया ऑफिस में, उसके बाद जबर सीटिंग पिला दी, वो भी ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ नेटवर्क के नामों निशान नहीं था। इसीलिए दीदी ने आपके ऑफिस में कॉल किया था, क्योंकि आपका फोन लग नहीं रहा था। तुमने ऑफिस में फोन किया? जी हाँ मैंने कॉल किया था, और वो कह रहे थे कि आप एक महीने से ऑफिस ही नहीं आए हो और घर से काम कर रहे हो। क्या जीजू आप एक महीने से ऑफिस नहीं गए? अरे कैसी बातें कर रहा है यार, मैं ऑफिस क्यों नहीं जाऊंगा, वो भी पूरे एक महीने से। तुम्हारी बात किससे हुई है कि मैं एक महीने से ऑफिस नहीं आया हूँ? शायद प्यून होगा या फिर वॉचमैन। अरे ये भुलक्कड़ मेरा डिवोर्स करा के रहेंगे पक्का। तुम्हारी गलत फहमी ना मैं अभी दूर कर देता हूँ, रुको। शेखर का फोन इस वक्त। हाय जान। हेलो मैम। मैम सॉरी मैंने आपको इस टाइम फोन किया। जी नहीं, वो मैम एक्चुअली में ना जो हमारी कंपनी का वो वॉचमैन या पियोन होगा कोई, मैम उसने मेरी वाइफ को बोल दिया कि मैं एक महीने से घर से काम कर रहा हूँ। हाँ जी मैम। मैम आप एक बार मेरी वाइफ से बात कर लीजिए, उससे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। अरे जान मैं उससे क्या बात करूँगी, वो जी, जी, जी। अरे हेलो। जी मैम। नहीं नहीं सब कुछ ठीक है मैम। जी सॉरी मैम। थैंक यू मैम। ओके बाय बाय। अब बताइए हो गई तसल्ली या पूरे ऑफिस को फोन करूं? नहीं नहीं कर देता हूं ना। मैं बस थोड़ा डर गई, यू नो ना आई लव यू। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, पर मेरी जान इस टाइम ना खाने की बहुत याद आ रही है, प्लीज खाना लगा दो यार। अच्छा अभी लाइक। थैंक यू। थैंक गॉड अब लगता है कि मुझे भी थोड़ा बहुत खाना मिल ही जाएगा। दीप थोड़ा जल्दी लाओ खाना प्लीज, बहुत भूख लगी है। हाय। हाँ? मंदिर छोड़ देना। अरे दीदी सॉरी मुझे बहुत लेट हो गया, और वैसे भी आपका मंदिर ये साइड है और मुझे वो साइड जाना है। अरे यार कॉलेज ही तो जा रहे, 5 ही मिनट लगेंगे, छोड़ देना। सॉरी दी सॉरी, सो सॉरी प्लीज। सॉरी अभिनव। क्या हुआ प्रिया? देखो ना कैसे भाग गया, मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है। आप ऑफिस जाते जाते प्लीज मंदिर छोड़ देंगे मुझे? अब मंदिर प्लीज। अब बीवी की तो सेवा करनी पड़ेगी ना। तुम्हें मंदिर नहीं छोड़ूंगा तो फिर किसे छोड़ूंगा। चलो मैं अपना पर्स लेके आ जाऊं, एक मिनट। जल्दी आओ जल्दी। ये तुमने जो रूटीन बनाया हुआ ना मंदिर जाने का रोज, ये मुझे बहुत पसंद है सर। आपको पता है मैं हर बुधवार मंदिर क्यों जाती हूँ? क्यों जाती हो? वो इसीलिए क्योंकि हमारा रिश्ता बुधवार के दिन तय हुआ था, और अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि हमारी शादी भी बुधवार के दिन ही हुई थी। शेखर आपका फोन बज रहा है। नहीं मेरा फोन नहीं बज रहा है। मेरा भी नहीं बज रहा है, तो फिर आवाज कहाँ से आ रही है?
की आवाज तो यहाँ से आ रही। जान? ये जान कौन है? ये किसका फोन है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। वो प्रिया, ये मेरे बॉस का फोन है। उनका ना अफेयर चल रहा है किसी के साथ। तुम बस किसी को बताना मत, अपना फोन मुझे दे रखा है। गाड़ी रोक। प्रिया, ये मेरा फोन नहीं है, ट्रस्ट मी। मैंने बोला गाड़ी रोकिए। प्रिया, ये मेरा फोन नहीं। गाड़ी रोकिए, मैंने बोला। प्रिया, ये मेरा फोन नहीं है। खाइए मेरी कसम। हमारे सर की कसम। बस कसम का मतलब जानते हैं ना? बहुत अच्छे से जानता हूँ प्रिया, तभी ले कसम खा रहा हूँ ना। प्रिया, ये मेरा फोन नहीं है, ये बॉस का फोन। अरे अब तो स्माइल कर दो यार। चले मंदिर? चलिए। तुम भी ना यार। लीजिए सरकार, आ गया आपका मंदिर। शाम को मिलते हैं, जल्दी घर आना। शेखर बाबू, बाल बाल बच गए आज। काश तू मुझे पहले मिली होती ना, मैं प्रिया से कभी शादी नहीं करता। जान, मैं भी तुमसे इस तरह से चोरी चोरी मिलके थक चुकी हूँ। तुम कुछ करते क्यों नहीं? तो प्रिया को तो तुम जानती हो ना, रीच की तरह चिपक गई है। जरा भी शक होता है ना उसे, तो रोने लग जाती है। बस करो। कभी कभी तो डर लगता है मुझे, कुछ पागलपन ना कर बैठे। देखो, अब तुम्हें अपने प्यार और अपनी शादी में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा शेखर। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ही चुनूंगा ना। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ना उसे हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दूंगा। अब तुम्हारे बिना बहुत मुश्किल है जीना। आई लव यू शेखर। आई लव यू टू। प्रिया। शेखर, अब हम लोग क्या करेंगे? उसने देख लिया। बाहर निकलो अभी के अभी। देखो प्रिया, मैं रिद्धि से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। हम दोनों की भलाई इसीलिए है कि हम दोनों अलग हो जाएं। और अगर मैं मना कर दूं तो मुझे कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। क्या रास्ता चुनेगा तू? क्या रास्ता चुनेगा? तमीज से बात कर अभिनव। तमीज से बात उससे की जाती है जिसकी इज्जत हो। तू तो अपनी इज्जत खोकर आया। और किसे? और किसे? चल भाग। ये चल भाग। मेरे घर से मुझे भाग पाने में चल। चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? चल। ये मेरा घर है। जा। तुम ये धक्का दे रहा है यहाँ से? तुझे शर्म नहीं आई? मेरी दीदी को धोखा देते हो, शर्म नहीं आई तुझे? ये घर मेरा है। चल भाग। कहाँ ना तुझे मैं छोड़ दूंगा तेरी दीदी को फिर। उठ,
उठ, मेरी बहन को धोखा देगा तब प्यार करती है, हाँ मेरी बहन को धोखा देगा, मेरी मेरी बहन को मारेगा, तू मेरी बहन को देगा धोखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, हाँ कैसे हिम्मत हुई तेरी, बस कर, सब लोग तमाशा देखते हैं, चल अंदर चल। दीदी नहीं, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, आप अपना सामान बांधो और चलो। नहीं अभिनव, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, ये मेरा घर है। पर दीदी आप उस आदमी के साथ कैसे रहोगे यहाँ? अभिनव, शेखर मेरे पति हैं और मैं उनसे प्यार करती हूँ, और घर में तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं घर ही छोड़ दूँ। ठीक है दीदी, अगर आपको इस आदमी के साथ यहाँ रहना है तो आप रहो, पर मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं। देखिए, हमारी शादी को इतने साल तो हो चुके हैं कि हमें जो भी बात करनी है हम खुलकर कर सकते हैं। शेखर, शादी के इतने सालों बाद भी आपने मुझे कभी दुख नहीं दिए। शेखर, मैं जानती हूँ आप एक अच्छे इंसान हो, और बस थोड़ा बहक गए थे। तुम सही कह रही हो प्रिया, मैं कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अभी मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम चिंता मत करो, मैं भी आज के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आशा, अरे कहाँ हो आशा? क्या हो गया, आते क्यों चिल्लाने लगी? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे लिए लाए? हाँ? गिफ्ट क्या है? खुद ही देख लो। साड़ी? कैसी लगी? बिल्कुल तुम्हारी हैसियत जैसी, सस्ती। पिछले 3 महीने से कह रही हो नई वॉशिंग मशीन ले लो, पुरानी वाली खराब हो गई है। पर नहीं, वॉशिंग मशीन लेने की तो तुम्हारी औकात नहीं है, और मुझे खुश करने के लिए ये सस्ती साड़ी लेकर आए, वो भी 300 रुपए वाली। नहीं ले सकता मैं वॉशिंग मशीन, और अगर इतनी जरूरत है ना तो अपने घर वालों से मांग लो। अच्छा, अब वो भी मैं घर वालों से मांगू? बस सबको बता दो कि तुम भिखारी हो। आशा तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है? मैं इतना प्यार से ये साड़ी लेकर आया और तुम्हें कि एक काम करो, ये साड़ी पहन के ना बाहर जाके नाचो, 10-20 रुपए तुम आराम से कमा लोगे। कभी देखा मेरे जीजा जी को मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते, और एक तुम, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरी शादी ना जीजा जी से ही हो जाती तो अच्छा होता। आशा, शर्म नहीं आती ऐसी नीच बातें करते हुए? हाँ नहीं आती, रोता है मेरा दिल तुम्हारे साथ नहीं चलते हुए, मेरे साथ में ले जाने का मन नहीं करता। कभी कभी लगता है सबको बोल दो कि मेरा पति मर चुका है, मर जाती कहीं। क्या कर रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या तुम?
और कुछ लेंगे आप? सर बार बंद होने का टाइम हो गया। पता है जा। अरे दोस्त पहचाना? शेखर भाई ये आपकी आंख को क्या हो गया? अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ इन्हें मीने कैसे बैठे हो? इससे बीवी की बातों से परेशान हो क्या? नफरत करता हूँ मैं उस औरत से, उसकी बातें खंजर की तरह चुभती है मुझे। दिन रात बस एक ही दुआ करता हूँ मैं कि काश वो मर जाए वो। ये ले, चाकर खोप तू उसके पेट में तो कर दे खेल खत्म। क्या हुआ, डर गया? क्या सोच रहा है, अगर खुद मारेगा तो पुलिस पकड़ लेगी। तो ठीक है, मैं मार बोल। आप ऐसा क्यों करेंगे? ताकि तुम मेरी पत्नी को मार दो, हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देख, हम एक दूसरे की मदद करेंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। से शेखर भाई एक बात बताइए, आप अपनी बीवी को क्यों मारना चाहते? तो पूछ रहा था ना, ये क्या है? उसने पिटवाया था मुझे, पूरे मोहल्ले के सामने मेरी बेइज्जती कराई, मेरे प्यार के बीच में रोड़ा है वो। मैं अपने प्यार के लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ, किसी की जान ले भी सकता हूँ। अब तो हो ही करेगा जो मैं तुझे करने के लिए कहूंगा। दुनिया में हम बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, लेकिन शादी का जो रिश्ता है वो एक ऐसा रिश्ता है जो हमारे साथ जिंदगी भर रहता है। एक अच्छे जीवन साथी से बड़ी कोई दौलत नहीं है और एक खराब जीवन साथी से भयानक कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्र और आज की इस कहानी में हम दो शादीशुदा जोड़ों के बारे में देखेंगे जो कहीं ना कहीं अपने इस रिश्ते में घुटन महसूस कर रहे थे और ये घुटन इस कदर बढ़ चुकी थी कि अब इसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने जुर्म का रास्ता अपनाया। अब देखना यह है कि क्या ये रास्ता उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाएगा या फिर जुर्म का ये गहरा कुआं उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। आइए देखते हैं। फिर मुझे तुमसे छुटकारा मिल ही गया। छोड़ो, क्या हुआ? तो बुरा सपना देखा? हाँ। तुम्हारी हकीकत से तो बुरा नहीं हो सकता। ये लो चाय पियो। मैं जानती हूँ मैं कल थोड़ा ज्यादा बोल गई, पर मैं जो बोलती हूँ तुम्हारे भले के लिए बोलती हूँ। जिसकी शक्ल अच्छी ना हो पर किस्मत में घिसी हो तो उसकी जिंदगी नरक ही बन जाती है। देखो आशा, मेरी शक्ल तो सुधर नहीं सकती, लेकिन मेरे हालात बेहतर जरूर हो सकते हैं। एक मिनट। इतने पैसे कहाँ से?
मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ मैंने कारोबार शुरू किया है। सोचा था जब पैसे आ जाएंगे तब तुम्हें बताऊं। जितना मैं जानती हूँ तुम्हारे दोस्तों को, वो तो तुम्हारे जैसे फटीचर है। अब नया दोस्त कौन सा आ गया है? एक, आज तो मैं उसे मिल पाऊंगा। उसने हमें घर पे बुलाया है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ। नया दोस्त? अब ये कौन बेवकूफ पैदा हो गया जो इनके साथ काम करना चाह रहा है? यार अभी तक आए नहीं ये लोग, लगता है आ गए। अरे रवि कैसा मेरे दोस्त? मैं ठीक, तुम कैसे हो? ये आशा। नमस्ते आशा भाभी, कैसे हैं आप? आइए बैठिए। प्रिया बाहर आओ जल्दी से, रवि आया। ये मेरी वाइफ है प्रिया। नमस्ते। नमस्ते। और प्रिया ये मेरा दोस्त है रवि, और ये इनकी वाइफ है आशा भाभी। नमस्ते। नमस्ते। वैसे आशा सच बात बताओ ना, तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो, और रवि भाई साहब तो बहुत ही लकी है जो उन्हें तुम जैसी खूबसूरत पत्नी मिली है। अरे किस्मत वाली तो आप है भाभी, जो आपको इतना अच्छा घर मिला। और सच बोलू तो आपका घर देख के मुझे अपना घर नर्क जैसा लगने लगा। घर लोगों से बनता है आशा, इन दीवारों से नहीं। दीवारें भी अच्छी होनी चाहिए, और जिसे गंदगी में रहने की आदत तो वो जानो शौकत क्या समझेगा। क्या भाभी जी आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई हैं। प्रिया तुम भाभी जी की खातिरदारी करो, और अभी तुम मेरे साथ ऊपर चलो जरा, तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स दिखाने थे। आओ दोस्त। अरे बाप रे, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे थे, पर तुम्हारी पत्नी तो बहुत परेशान करने वाली है यार। पर तुम्हारी पत्नी तो इतनी बुरी भी नहीं है। लगता है तुम्हें मेरी पत्नी ज्यादा ही पसंद आ गई, तो तुम ही रख लो। वैसे भी मुझे तो पीछा ही छुड़ाना है उससे। आशा एक बात बताओ, तुम रवि भाई साहब के साथ खुश नहीं हो क्या? आप नहीं समझेंगे भाभी, आपके पास इतना अच्छा घर है, इतने अच्छे पति। आशा मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से ज्यादा जरूरी है अच्छी नीयत और साफ दिल, जो रवि भाई साहब में है। मुझे इतने साल हो गए रवि के साथ, और जितना मैं उन्हें जानती हूँ, जिस दिन उन्हें मौका मिला ना, वो अपना असली रूप जरूर दिखाएंगे। तुम करने क्या वाले हो? हम दोनों ने ये तो डिसाइड कर लिया है कि एक दूसरे की पत्नियों को मारेंगे, लेकिन पहला हमला कौन करेगा वो डिसाइड करेगा ये कौन। अगर हेड्स आया तो तुम्हारी किस्मत, और अगर टेल आया तो मेरी। डन। तुम्हारी किस्मत तो बहुत तेज है दोस्त, पहले तुम्हारी बीवी मरेगी। पर तुम करने क्या वाले हो? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अपने घर की चाबी मुझे दे देना। आप
कि भाई साहब आप अंदर कैसे आए? वो भाभी वो मैं तो रवि से मिलने आया था, देखा तो दरवाजा खुला हुआ था, मैं अंदर आ गया तो भाभी अचानक से मुझे गैस की स्मेल आई, मैं किचन में आया तो देखा ये, देखिए ना ये गैस खुला हुआ है ये। थैंक यू भाई साहब, आप सही टाइम पे आ गए, पता नहीं गैस कैसे ऊपर ले गया। भाभी जी ध्यान रखा कीजिए, अभी आग लग जाती है यहाँ पर जी। मैं बाहर ही बैठा हूँ। बैठी, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हेलो, हाँ माँ कैसी हैं आप? पता नहीं आज कैसे गैस ऑन रह गया। अरे वो रवि के बिजनेस पार्टनर है ना शेखर भाई साहब, वो सही वक्त पे आगे, वरना तो आज पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, है ना? ओके बाय। भाई साहब चले गए। मैं इतने करीब था उसका खेल खत्म करने के, पर उसने फोन पर अपनी माँ को मेरा नाम ले दिया यार। हर बार किस्मत को रोने वाली इतनी किस्मत वाली निकलेगी, सोचा नहीं था। अरे आप क्या यार, मुझे तो डर है अगर अगली बार फिर से मैं नाकाम हो गया तो तुम्हारी पत्नी को 100% शक हो जाएगा ना कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। सही कह रहे हो दोस्त, लेकिन तुम चिंता मत करो, छुटकारा पाना शायद तुम्हारी किस्मत में पहले। इस वक्त कौन आ गया? नमस्ते भाभी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रवि भाई साहब आप, लेकिन शेखर तो अभी घर पर नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे आप ही से कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे? आइए ना। क्या कर रहे हो, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो आप? देखिए भाभी जी, मेरी आपसे कोई दुश्मनी है नहीं, ये सब जो कर रहा हूँ वो अपने आप के लिए कर रहा हूँ। अपने आप के लिए मतलब? आप चिंता ना करें, आपको एक बहुत ही सिंपल मौत दूंगा मैं, बहुत आसान। आसान मौत? कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, आप चलिए मेरे साथ आइए। देखो अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम ही बच नहीं पाओगे, शेखर अभी आते ही होंगे। बच जाऊंगा, लेकिन अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। I'm sorry, Priya. लेकिन अब तुम्हें मरना क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ, ये क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, ये पुलिस क्या कर रही है? प्रिया, प्रिया दीदी, दीदी क्या मालूम चला? प्रिया 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 ये क्या हो गया प्रिया, किसने किया प्रिया? प्रिया अबे उठ प्रिया, तू नहीं मारा ना मेरी बहन को? हाँ बोल, तू नहीं मारा ना? थोड़ा सा तू पागल हो गया क्या अभिनव? मैं क्यों मारूंगा अपनी पत्नी को? सर इस तरह ही मारा है, ये बंदे का बाहर चक्कर चल रहा था सर, इसी ने मारा है मेरी बहन को। छोड़ो मुझे, बकवास बंद कर अभिनव, मैं पूरा दिन ऑफिस में था और मेरे पीछे से किसी उठ।
एक मिनट छोड़ो छोड़ो। शेखर सच बोल रहा है, हमने पता किया है वो ऑफिस में ही था, और वैसे भी हमें घर के बाहर जूते के निशान मिल चुके। अब पहला सबूत जब मिल गया है तो खूनी बहुत जल्द मिल जाएगा। शेखर और रवि ने इस अपराध को जो अंजाम दिया उसकी कल्पना असल जिंदगी में करना बहुत ही मुश्किल है। अक्सर इन मामलों में पुलिस का सबसे पहला शक पति पर जाता है, लेकिन यहाँ पुलिस की नजरों में शेखर बेगुनाह था। अपने इस षड्यंत्र के पहले अध्याय को शेखर और रवि ने अंजाम दे दिया था, लेकिन रवि की पत्नी आशा अभी जिंदा थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि रवि के दिल में उसके लिए जो नफरत पनप रही थी वो उसमें इस कदर खो चुका था कि अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सनक सवार थी, अपनी पत्नी से बदला लेना। क्या वो अपने इन इरादों में कामयाब हो जाएगा? क्या शेखर उसका साथ देगा? आइए देखते हैं। कहीं तुम्हारा साला आ गया तो? अरे मेरी जान, अब वो मेरा साला नहीं, और वैसे भी इस घर में वो अब कभी भी नहीं आएगा। और तुम्हारे पड़ोसी, वो क्या सोचेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? बस कुछ दिन और इंतजार करो, हम ये सब कुछ बेचकर कहीं दूर चले जाएंगे। रवि? बोलो रवि। ये क्या है शेखर भाई, आपके काम को अंजाम दिए हुए मुझे 2 हफ्ते हो गए और अब तक आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। यार अब एकदम से तो नहीं मार सकता था ना, अगर मैं एकदम से मार देता तो पुलिस को ऐसा लगता ना कि हो सकता है कि दोनों के दोनों मर्डर्स आपस में जुड़े हुए हो। देख अब तो प्रिया को मरे हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो 2 हफ्ते में तो 2 मर्डर्स हो सकते हैं ना। मतलब तुमने सब कुछ सोच कर रखा है? हाँ यार सब कुछ प्लान्ड है, बस तुम इतना काम करना कि आज अपने घर में मत रुकना, किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर चला जा। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मैं तेरा काम आज जरूर कर दूंगा पूरा। ठीक है। अच्छा ये क्या कर रही हो तुम? आशा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं अपने घर जा रही हूँ। घर जा रही हूँ? पर क्यों? और वो भी ऐसे अचानक? तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा देख के ना मैं थक चुकी हूँ, 2 हफ्ते से देख रही हूँ। तुम्हारे बिजनेस पार्टनर की बीवी की मौत का अफसोस तक मनाने नहीं गए तुम, शर्म आनी चाहिए, बहुत ही नकारे किस्म के इंसान हो तुम। आशा आशा तुम कहीं नहीं जा सकती। क्यों, बेइज्जत होने में बड़ा मजा आ रहा है क्या तुम्हें? आशा आशा मेरी बात सुनो, तुम आज की रात यहाँ रुक जाओ, कल जहाँ जाना है वहाँ चली जाना, राज नहीं। मेरा जब मन करेगा मैं वहाँ जाऊँ। आशा तुम आज रात नहीं जा सकती, प्लीज ये बात को समझो, मत जाओ आज। आशा 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 आशा, मैंने कह दिया ना तुम कहीं नहीं जाओगी। तुमने मुझे मारा? जी तो करता है कि तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूं, लेकिन एक डायन को मारने के इल्जाम में मैं जेल नहीं जाना चाहता। तुम मुझे मारोगे? तुम्हारे अंदर ने इतनी हिम्मत है और मर्दानगी? अच्छा अभी दिखा दो, चलो उठो ऐसे, चलो मेरे साथ, चलो 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 मेरे साथ, चुपचाप पड़ी रहो यहाँ पर। खोलो खोलो दरवाजा, मैं खोलो। तू अभी तक गया नहीं, जा यहाँ से, मैं तुझे काम खत्म करके फोन करता हूँ, चल जा जल्दी जा। मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है, अपने मायके जाने के मूड में थी वो। अरे ठीक है यार, अब तू जाएगा तभी तो काम करूंगा ना मैं, उसे ऐसे मारूंगा लगेगा कि सुसाइड किया उसने। अच्छा जल्दी कर। चला जाऊंगा, मैं उसे मरता हुआ देखना चाहता हूँ। क्या इतने साल उसने मेरे साथ जानवर से भी पूरा बर्ताव किया है, मैं उसे दर्द में देखना चाहता हूं। तू बिल्कुल पागल हो चुका है,
हाँ हो गया हूँ पागल, अब चल। प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये पागल हो गए, ये मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। नहीं भाभी, आप घबराइए मत, ये आपको नहीं मारेगा, क्योंकि आपको मैं मारूंगा। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे सच बोल रहा हूँ, इसने मेरी पत्नी को मारकर मेरी परेशानी खत्म कर दी, अब मैं आपको मारकर इसकी परेशानी खत्म कर दूंगा, सिंपल। ये क्या बोल रहे हैं आप? इसने आपकी पत्नी को मारा है? हाँ भाभी, और अब मैं आपको मारूंगा। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये? कैसे मारोगे इसे? पहले इसका दम घोटकर इसको मारूंगा, फिर इसको ऊपर लटकाऊंगा। मुझे जाने दीजिए। इधर आ। मुझे जाने दीजिए। मारी से, मार डाली से। बहुत तकलीफ दी है इसने मुझे, बहुत। ये पकड़ो तेरे को। आप लोग यहाँ? मैंने ही बुलाया पुलिस को, तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी मैंने। यार अब एकदम से तो नहीं मार सकता था ना, देख अब तो प्रिया को मरे हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, बस तो इतना काम करना कि तुम आज रात को घर पे मत रुकना, ठीक है? तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना रिद्धि, उसी ने तुम्हारा ये सारा काला चिट्टा खोला। अब सच सच बता, प्लान क्या है? अब वो भी पुलिस के हिरासत में। अब इन्होंने समय पे हमें फोन करके सब कुछ बता दिया। मुझे लगता था मेरी बातें सुन के तुम्हें थोड़ी अकल आ जाएगी, लेकिन तुम जैसे आदमी का ना यही हश्र होना था। लेके चलो दोनों को। जुर्म चाहे जितना भी सोचा समझा क्यों ना हो, रहता तो जुर्म ही है। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना सुराग छोड़ ही देता है। शेखर को यही लगा था कि उसका ये प्लान उसे 100% कामयाबी देगा। ये कहानी कुछ और ही होती अगर शेखर अपनी पत्नी प्रिया को मारने के बजाय उसे तलाक ले लेता, और रवि नफरत के बजाय खुले दिमाग से काम करता, तो शायद ये कहानी गुनाह का ये रूप नहीं ले पाती। आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक नई और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुधा चंद्रन को दीजिए इजाजत। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।